सो हे गाइस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 10 अडल्ट हॉलीवुड मूवीज, और इन सारी मूवीज में आपको भर भर के बोल्ड सीन दिखाए जाएंगे। तो अगर आपको अडल्ट मूवी देखना पसंद है तो आज की इस वीडियो को आप एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। और अगर आप इन मूवीज को डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे इन सारी मूवीज की लिंक मिल जाएगी। नंबर 10 पे आती है स्लीपिंग विथ माई स्टूडेंट। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.6। इस मूवी में कहानी दिखाई दी एक स्कूल प्रिंसिपल की, जिसका नाम होता है कैथी। और एक रात को जब कैथी स्विमिंग पूल के पास अकेली बैठी हुई होती है तो वहां पर एक इयान नाम का एक लड़का आ जाता है और वो कैथी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये लोग साथ में रूम में जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब इयान कैथी के स्कूल पहुंच जाता है और वहां पर वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। और रात में इनके बीच जो कुछ भी हुआ था, इयान ने उन सबका वीडियो बना लिया था, और अब एयान कैथी की बेटी को भी पटा लेता है। तो अब आगे क्या होता है वो सब आप इस मूवी में देखेंगे। नंबर 9 पे है डक बटर। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई दो लड़कियों की, जिनके रिलेशनशिप में कई सारी प्रॉब्लम होती है, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक रूम में 24 घंटे के लिए एक साथ रहेंगे, और इस 24 घंटे में ये दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ सेक्स करते हैं। तो अगर आपको एक लेस्बियन वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को गलती से भी मिस ना करें। मूवी में आपको बहुत ही कमाल के अडल्ट सीन दिखाए जाएंगे। नंबर 8 पे है 365 डे। ये मूवी 2020 में आई है, जिसकी IMDb रेटिंग है 3.3। और यह मूवी की रेटिंग कम है, लेकिन मूवी को बिल्कुल भी कम मत समझना, क्योंकि मूवी में आपको बहुत ही ज्यादा अडल्ट सीन दिखाए गए हैं। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई एक गैंगस्टर की, जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो गैंगस्टर उस लड़की को किडनैप कर लेता है और उसे 365 डे देता है अपने साथ प्यार करने के लिए। और इन 365 डे में जो कुछ भी होता है वो आप इस मूवी में देखेंगे। मूवी में आपको बहुत ही कमाल के सीन दिखाए जाएंगे। नंबर 7 की मूवी है गर्ल हाउस। ये मूवी 2014 में आई है और इस मूवी को IMDb ने 5.5 की रेटिंग दी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़की की, जो एक गर्ल हाउस को ज्वाइन करती है, जहां पर वो न्यूड होकर लाइव स्ट्रीम करती है। लेकिन एक दिन इसके लाइव स्ट्रीम में एक साइको बंदा आ जाता है और वो उसकी आईडी को हैक करके उसका एड्रेस पता कर लेता है, जिसके बाद ये लड़का उस लड़की के घर चला जाता है और अब उसके साथ वो पूरे मजे लेना चाहता है। तो वो लड़की क्या करती है, उसके साथ आगे क्या होता है, वो सब आप इस मूवी में देखेंगे। नंबर 6 पे आती है जेनिफर बॉडी। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.4। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई जेनिफर की, जिसके साथ एक दिन एक हादसा होता है, जिसके बाद से उसकी बॉडी को एक आत्मा पोजेस कर लेती है। और उसके बाद से जेनिफर हर रोज एक नए लड़के को सेड्यूस करती है और उसके साथ रात में सेक्स करके उसे जान से मार देती है। और एक दिन इन सभी चीजों का पता जेनिफर के दोस्त को लगता है, तब वो आगे क्या करती है वो सब आप इस मूवी में देखेंगे। यह मूवी काफी ज्यादा बेस्ट है और आपको इस मूवी में मेगन फॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। नंबर 5 पे 50 Shades of Grey। ये मूवी 2015 में आई है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.1। और भाई, जहां अडल्ट मूवी की बात हो रही हो और ये मूवी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मूवी में आपको कुछ अलग तरह के ही अडल्ट सीन दिखाए जाएंगे। यार, मूवी काफी ज्यादा बेस्ट है और इसके अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और तीनों पार्ट बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और इन मूवीज में जिस तरह के इंटीमेट सीन दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा बेस्ट है। और भाई, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 4 पे आती है आफ्टर। ये मूवी 2019 में आई है, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.3। और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है, जो 2020 में आया है। और इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़की की, जो अभी कॉलेज में नई आई होती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आ जाता है जब वो हार्डी नाम के एक लड़के से मिलती है और वो उस लड़के से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, और बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इस लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड होता है, जिसकी वजह से इसके रिलेशनशिप में कई सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। नंबर 3 पे है जेरल्स गेम। ये मूवी 2017 में आई है और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में कहानी दिखाई एक कपल की, जो अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए शहर से दूर जंगल में अपने एक घर में जाते हैं, और वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं होता है। और फिर ये लोग सेक्स करने का प्लान बनाते हैं, और जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ के हाथ को हथकड़ी से बांध देता है। लेकिन जब वो लोग सेक्स कर रहे होते हैं, तभी जो हस्बैंड होता है, बीच में उसकी अचानक से मौत हो जाती है और इसकी वाइफ हथकड़ी से बंधी होती है। और ये सुनसान इलाका होता है, तो ये लड़की वहाँ से कैसे निकलती है वो सब आप इस मूवी में देखेंगे। नंबर 2 पे आती है डॉन जॉन। ये मूवी 2013 में आई है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5। और इस मूवी में कहानी दिखाई एक आदमी की, जिसे बहुत ही ज्यादा पॉर्न देखने की आदत होती है, और एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो लड़की इसे पॉर्न देखते हुए पकड़ लेती है, और तब ये किसी तरीके से उसे समझाता है कि ये वीडियो उसके दोस्त ने भेजा है। लेकिन इसे उसकी बात पे विश्वास नहीं होता है और वो उसकी ब्राउजर हिस्ट्री को चेक करती है,
तो अब उस लड़के के साथ आगे क्या होता है वो सब आप इस मूवी में देखेंगे। और मूवी में आपको ब्लैक वीडियो वाली स्कारलेट जोहानसन देखने को मिल जाएंगी। नंबर वन पे आती है डीप वाटर। ये मूवी 2022 में आई है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.4। और इस मूवी में कहां दिखाई है वैन एलन की, जो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं और उनकी एक वाइफ भी होती है, लेकिन उनकी वाइफ उनसे ज्यादा खुश नहीं होती है और वो रोज नए नए लड़कों के साथ अफेयर करती है। और ये सब वैन के आंखों के सामने ही होता है। और धीरे धीरे जब ऐसा चल रहा होता है तब एक दिन वैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो अब इस मूवी में आगे क्या होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखनी पड़ेगी। यह मूवी काफी ज्यादा बेस्ट है और इसमें जो एडल्ट सीन दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं।